بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आपने कल सुन्नत की पैरवी की तरगीब में भी बयान पढ़े और तर्क सुन्नत के तरहीब पर बोले तो खौफ पर और नई चीज़ की इजाद पर, ख्वाहिशात की पैरवी के खौफ पर, ये सारी चीज़ें आपने कल पढ़ा। तो जैसा कि कल एक बात आई थी बिदअत के ताल्लुक से, किसके ताल्लुक से? बिदअत के ताल्लुक से, कि हर नई चीज़ क्या होता है? शर होता है और हर बिदअत गुमराही है। हर नई चीज़ शर है, वकुल्लु दलालतिन वकुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर बिदअत गुमराही है। तो इसकी तशरीह अब आगे आएगी, समझ गए कि हर बिदअत गुमराही नहीं होती, बल्कि इससे मुराद ये इजमालन है, इसकी तफसीर ये है कि ऐसी बिदअत जो अल्लाह रसूल के रास्ते से ना हो। जैसे कि ऊपर में पढ़ा था ना, मन अहदथा फी अमरिन हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसी नई चीज़ हमारे दीन में हमारे रास्ते में इख्तियार किया निकाला, अगर वो उसमें से नहीं है, हमारे दिन से नहीं है, तो वो मर्दूद, हमारे दिन से नहीं बोले तो उससे टकराव नहीं हो रहा, उसके खिलाफ है। किसी ने कोई ऐसी नई चीज़ निकाला जो शरीयत के खिलाफ है, तब वो बिदअत गुमराही है, वरना वो बिदअत गुमराही नहीं है। बिदअत के कई अकसाम निकलते हैं, बिदअत हसना, बिदअत सैया, बिदअत मुबाहा। तो ये है ना कि अब मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक में जिसने कोई एक नई चीज़ को किया, यहाँ भी वो हदीस आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग उस पर अमल करते रहेंगे उसका सवाब इजाद करने वालों को मिलता रहेगा, वरना अगर हर बिदअत गुमराही है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान पर एराब नहीं लगा हुआ था, नुक्ते वगैरह नहीं थे, हैं। फिर इसको शौक़ से लगाते हैं, आप सवाब की नीयत से लगाते हैं। हुजूर के ज़माने में मस्जिदों में मेहराब नहीं था, गोल नुमा होता है ना, जिसमें इमाम अंदर घुस के नमाज़ पढ़ता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में ये इजाद हुआ, तो ये फिर बिदअत है, लेकिन शौक़ से मस्जिदों में बनाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि हर बिदअत गुमराही नहीं होती है। बिदअत की तारीफ ये नहीं करेंगे जो हुजूर के ज़माने में था अब हुआ तो बिदअत है, तो हम भी हुजूर के ज़माने में नहीं थे, क्या हम बिदअती हैं? ऐसा नहीं, जो बोलेगा सब उसी से पूछना चाहिए कि बिदअत की तारीफ़ करो, बोले जो हुजूर के ज़माने में नहीं था वो अब है तो क्या है? बिदअत है। बोले तेरा बाप भी नहीं था हुजूर के ज़माने में, तेरा बाप बिदअती है तो बिदअती का औलाद है, और हर बिदअत गुमराह, तेरा बाप गुमराह है, ऐसा नहीं। बोले ऐसी चीज़ों के ईजाद करना जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, क्या तारीफ़ करेंगे? वो बिदअत होगा और वो बिदअत गुमराही होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अतरगीब फिल बिदायती, बिदायत का मतलब होता है शुरू करना, नई चीज़ का ईजाद करना, ठीक है। इब्तिदा बोलते हैं ना, बदायत शुरू करना, अतरगीब फिल बिदायत बिल खैर लयस्तुन्नबिहि, नई चीज़ को मतलब अच्छी चीज़ को इब्तिदा करना हो ना, ज़रूर उस पर क्या होगा? सन्ना सुन्नु सुन्नत से बना, कैसे बना है? सुन्नत से। लयस्तन्ना बिही व तरहीब मिनल बदात बिशरी खौफन अयस्तन्ना बिही, तो अच्छी चीज़ के इजाद के बयान में, अच्छी चीज़ के खैर के इजाद और शर के इजाद के बयान में, कुल मिला के ही है, हाँ, खैर के इजाद के मुतालिक और शर के इजाद के मुतालिक, जबकि उस पैरवी हो, हाँ, खैर पर अमल करना और शर पर अमल करने के मुतालिक ये आज का बयान है। अब तरहीब, तरहीब के मतलब क्या होता है? डराना। व तरहीब मिनल बदायत बिशर खौफन अयस्तन्नबी, ये तो समझ में आ रहा है। तो नई चीज़ के इजाद में खौफ है कि उस पर अमल हो, या फिर बुरी चीज़ क्या है, अब बुरी चीज़ के इजाद में इस बात का खौफ है कि उस पर अमल हो। तो कुल मिला के इसका ये तर्जमा करेंगे कि अच्छे और बुरे कामों के इजाद के मुतालिक ये फ़सल है, क्या है? अच्छे और बुरे कामों के इजाद के मुतालिक क्या है? फ़सल है।
अन जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते कुन्ना फ़ी सदरी नहारी इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह के वक्त बैठे थे। सदर बोले तो सीना, सदर बोले तो सीना, नहार बोले तो दिन, दिन का सीना यानी इब्तदाई हिस्सा, दिन के इब्तदाई हिस्सा, दिन के इब्तदाई हिस्से निकलता, पहले सीने ही निकलेगा तो पूरा बॉडी निकलता है ना, तो दिन के इब्तदाई हिस्से में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। फजा कौमुन, तो एक कौम आई और आतुन जो क्या थी, नंगी थी, मजताबी नमारी और अबाई, इसका माना जो मुजताबी है ना बेटा, हाँ इसका जेब मादा है, क्या जायाबा मादा अजवाफे याई, मुझ तयाबी था, क्या था मुझ तयाबुन, मुफ्त आलून के वजन पर, हाँ मुझ तनाबुन के वजन पर मुझ ताया बुन, तो या को अलिफ से बदल देगा। हाँ जैब का मतलब ये होता है अरबी में, जब जैब का लफ्ज़ आता है ना, कॉलर एंड कॉलर, ये जो कटा हुआ रहता है ना, हाँ कटा हुआ जो रहता है ना, जैसे ये हमारा, इसको जेब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलर को पकड़ते हैं ना, अर्जुन बोले जेब को मत पकड़ो, ये जेब नहीं बेटा, गिरेबान, कटे हुए चीज़ को जेब बोलते हैं, ठीक है, ये काट कर निकालते हैं ना, इसलिए नमार का मतलब होता है चीता, क्या होता है चीता, नमीर की जमा नमार, इसका माना होता है चीता, चीता। आबा का मतलब होता है बगैर आस्तीन का चोगा, जो कपड़ों पर पहना जाता है, कुब्बा देखो कुब्बा, ये चढ़ा लेते हैं, आस्तीन नहीं होता उसमें, आस्तीन नहीं होता, यूँ लपेट बांध देते हैं, हाँ तो पहले ज़माने में यूँ ही पहले बनाया जाता था, जैसे ओढ़ लिया जाता था खूबसूरत कपड़ा, हाँ ऐसे भी खाल खाल वगैरह लोग ओढ़ लेते थे, आस्तीन नहीं होता था ना, तो इन लोग क्या होता इस तरह खाल के चीते के या जानवर के चीते का कपड़ा क्या हुआ तो हम लोग पहने हुए थे। तो सौफ की चादरें भी बोल सकते हैं, सौफ बोलते उनको, उनको भी बोलते हैं, और जानवर के कपड़े का जो बनाया था ना उसे सौफ बोलते, क्या बोलते सौफ, हाँ तो ये तर्जमा, सौफ की चादरें उन लोग क्या करते थे ओढ़े हुए थे, हाँ ऐसे ही कपड़ा जानवर का था जो यहाँ कटा हुआ था आस्तीन, और यूँ उन लोग पहने हुए थे जानवर के खाल पहन करके, और तो नंगे थे, नंगे इसलिए कहा गया जब जानवर के खाल पहने हुए तो नंगे क्यों कहा, मतलब थोड़ा सा कपड़ा पहना हुआ था पूरा जिसम उन लोग का खुला था, गोया के वो गरीब थे पूरा, क्या थे गरीब थे, उनके पास कुछ माल माल असबाब नहीं था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक कौम आई जो नंगी थी, और उन्होंने क्या कर रखे जानवर के कपड़े, जानवर के चमड़े पहने हुए थे, मुतकल्लदिस सुयूफ, सैफ के जमा सुयूफ, कल्लद कमाना था पट्टा, क्या होता है मुकल्लिद, इसी को बोलते हैं पट्टा लटकाने वाले को मुकल्लिद, हम लोग मुकल्लिद हैं इमाम आज़म के, तो इमाम आज़म का पट्टा हमारे गलों में है, ठीक है, मुतकल्लदिस सुयूफ, उन तलवार के, मुतकल्लिद बोलते हैं तलवार का परतला डालना, क्या होता है परतला, बोले तो तलवार के शुरू और आखिर में रस्सी बांध कर गले में लटका लेते थे, समझ गए, तो उसको बोलते थे परतला, उर्दू में क्या बोलते हैं इसका तर्जुमा परतला करेंगे, तलवार का परतला लटकाए हुए थे, अगर वो कमर में बांधते थे क्या करते, बेटा मियान में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना उसको बांध देते, तलवार उसी में डाल देते थे, हाँ और कमर में बांधते थे उसको, ऐसे पट्टा बांधे कमर में, हैं उसके साथ मियान भी लटकी हुई रहती थी, तलवार उसके अंदर डाल देते थे, हाँ ऐसे यूँ निकालते थे यूँ डालते थे, और कोई कोई गले में लटकाते थे, तो गले में लटकाने को परतला बोलते और कमर में बांधने को डाब बोलते, क्या बोलते डाब, मुतकल्लिदिस सुयूफ, वो तलवार का परतला गले में लटकाए हुए थे, तलवार का परतला, हाँ आम मतहुम मिन मदिर मुजिर बल कुल्लु मिन मुजिर, तो अक्सर या कुल तमाम के तमाम कबीले मुजिर से थे, किससे थे, गांव का नाम था मुजिर, बेटा आम मतहुम मिन मुजिर, उनमें से आम मतलब अक्सर या फिर के तमाम के तमाम सबके कहाँ से था, कबीले मुजिर से उनका ताल्लुक था, सब के सब कबीले मुजिर, उस जितने कौम आए थे ना पूरा जितने आदमी थे ना उनमें से अक्सर या कुल
कहाँ से थे? कबीले मुजिर से आ रहे थे। फतअम्मरा वजहुल्लाह, वजहु रसूलुल्लाह, असल में क्या है वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लम्मा रआ मा बिहिम मिनल फाकती, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उनमें से फाका देखा यानी उनके ऊपर फाके को देखा तो आपका चेहरा मुतग़य्यर हो गया। तअम्मरा मतलब मुतग़य्यर हो रहा, ठीक है ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हुआ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फाके को देखा। फदखला तुम्हारा खराज है, तो आप घर पे तशरीफ़ ले गए फिर वापस आए। हाँ, फ़ामारा बिलालन, और बिलाल को हुक्म दिया फ़अज़ना, किसके के लिए? अज़ान व अकामा, अज़ान व अकामत कहने के लिए आपने बिलाल को हुक्म दिया कि अज़ान व अकामत कहो। हसन बिलाल ने अज़ान व अकामत कही, फ़सल्ला फिर नमाज अदा किए, सुम्मा ख़तबा फिर क्या किए? हाँ, खुतबा दिए। फ़क़ाल आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आयत कुरान पढ़ा, या अय्युन नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ये पूरी आयत उन्होंने अपनी तिलावत फरमाई। ऐ ईमान वाले, ऐ लोगो, या अय्युन नासु, ऐ लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، خلقكم من نفس واحدة، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور تمہارے اس سے کیا بنا؟ جوڑے بنا، وبث منهما رجالا كثيرا، اور کئی سارے مرد عورت کو پیدا کیا، ہاں اسی سے ایک جان سے۔ واتقوا الله الذي تساءلون، تو ڈرو اس رب سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، ڈرو उस रब से जिसके नाम से तुम सवाल करते हो। इन्नल्लाह का अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। तो असल इस आयत में सवाल करने से मना किया गया। किससे मना किया गया? रब के नाम पे मांगते रहते ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। हाँ, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम, अरहाम बोले तो रहम, रहम की हम बोले तो रिश्तेदार। अपने उस रब से डरो जिसके नाम पे तुम मांगते हो, और रिश्तेदारों की पासदारी करो, रिश्तेदारों की पासदारी करो मतलब ख्याल रखो। तुम उन्हें कुछ नहीं दोगे तो मजबूर होकर को सवाल करेगा ही। हाँ, तो अपने रिश्तेदार में जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, उनकी क्या करो? मदद करो। तो इस आयत से महल इस्तेशाद यही है, उस रब से डरो जिसके नाम पर तुम मांगते हो, और रिश्तेदारों का ख्याल रखो, बेशक अल्लाह तुम पर क्या निगहबान है। और सूरत हश्र की आयत यह है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलतनज़ुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स देखेगी कि वो कल के लिए क्या भेजी है, यानी क़यामत के लिए क्या भेजी है। जो यहाँ करोगे क़यामत के दिन वही मिलेगा तुम्हें। तो असल ये दोनों आयतों से बताना मकसूद है मांगना, अल्लाह से डरो, और तुम क्या कर रहे हो? मांग करके खा रहे हो, हराम खा रहे हो, हलाल खा रहे हो, हाँ हाँ, वो क्या कर रहे हो? तुम्हारा वो क़यामत के दिन इसका तुम्हें, तुम ज़रूर इसका सिला देखोगे। इन आयत से मांगने से सवाल किया गया, और दूसरा ये है कि सदका देने के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलतनज़ुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स, हर जान क़यामत के दिन देखेगी कल के दिन लिग़द को क्या भेजी आगे। तो अभी तुम सदका करोगे तो वहाँ क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो सदका करो, खैरात करो, और रिश्तेदारों के क्या करो? पासदारी करो। ये तुम्हारा मुसलमान भाई, इसकी तुम क्या करो? मदद करो। تصدق رجل من ديناره من درهمي من ثوب من صاع برة گہوں برة من صاع تمرتين تمره حتى قال ولو بشق تمرتين۔ ایک شخص اپنے درہم و دینار سے صدقہ کیا ہے نا، کسی نے کپڑے سے صدقہ کیا، تو آدمی لوگ سب صدقہ کرنے لگے، وہاں کے لوگ جو تھے صحابہ کرام کیا کرنے لگے؟ صدقہ کرنے لگے۔ ایک نے اٹھا درہم و دینار سے کچھ دیا، कपड़े में से कुछ दिया, किसी ने गेहूं से कुछ दिया, एक सा गेहूं दिया, किसी ने एक सा खजूर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने खजूर के छिलके भी सदका किए, खजूर के छिलके भी, गुठली भी क्या किए? सदका किए। और फरमाते हैं कि फजा रजुल मिन अंसार, अंसार में से एक शख्स आया, विश्व
किसके साथ? थैली, सुटरा का मतलब तो थैली, क्या है? थैला लेकर के। कादत कफ, करीब था कि उनके हाथ से वो क्या हो जाता, थैला गिर जाता। तो आज जजु अन हा बल कद आजिजत, हाँ आजिजुन आजिजा या आजिज, तो आजु अन हा उनको वो उठाने से वो क्या थे, आजिज थे, मतलब इतने भर करके वो थैला में सामान लेकर के आ रहे थे सबका करने से, करीब तक वो थैला उनके हाथ से गिर जाता। बल कद आजिज था, बल्कि आजिजत आजिज था, बल्कि वो क्या थे, आप उठाने से उस थैला को क्या थे, आजिज थे। कौला फरमाते सुम्मा तताबिउन नासु हत्ता रायतु, कौम कौम का मतलब होता है अजवफे वावी, इसका मतलब ढेर, ये ढेर क्या होता है, ढेर। तो आम बोले तो खाना, स्या बोले तो कपड़ा। फिर सुम्मा ताबा ताबा या ताबू ततआबु, वावे तफाउल से ले लेंगे, ततआबउन नासु, लोग एक दूसरे की तबाह करने लगे, बोलेंगे तो हर लोग क्या करने लगे, सदका करने लगे, एक ने दिरहम दिनार दिया, कपड़े दिया, गेहूँ दिया, खजूर दिया, लोग हर एक चीज़ सदका कर रहे थे, तो लोग हर एक की तबाह कर रहे थे, सदका कर रहे थे, यहाँ तक के खाने का ढेर हो गया, कपड़े का ढेर लग गया, खाने का ढेर हो गया, कपड़े का ढेर हो गया। हत्ता रायतु वजहु रसूलुल्लाह वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। कौन कह रहे हैं? जरीर। या तो हल्ला का अन्नऊ मधावतन, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे, गोया के मुज़हबतुन, मुज़हबा का मतलब होता है चांद, सोने का पत्थर, सोने का, सोने जब अभी ढाला ना गया हो, बर्तन उतर ना बनाया गया, सोने का टुकड़ा जो होता है ना, उसको मुज़हबतुन से ताबीर करते हैं। तो सोने का जो टुकड़ा है, हाँ, वो जिस तरह चमकता ना, उस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे कहाँ था, चमक रहे थे, रोशन हो गए थे लोगों के सदका को देख करके। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, तो जिसने इस्लाम के अंदर कोई ऐसी नई चीज़ का ईजाद किया, जिसने इस्लाम में अच्छी चीज़ का क्या कर लिया, अच्छी तरीके को ईजाद किया, फ़लाहु अजरुहा, तो उसका अजर तो उसे मिलेगा, वह अजरु मन आमिला बिहा बादहु मिन गैरी अन यनकुज़ा मिन उजूरिहिम शैउन, और उसके बाद लोग जब उस पर अमल करने लगेंगे तो उसका भी अजर इसे मिलेगा, और उसके अजर में कोई भी कुछ भी कमी नहीं होगी। किसी एक बंदे इस्लाम में कोई नई तरीके को ईजाद करता है, अपनाता है, तो लोग जब उस पर अमल करेंगे तो अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा, और उतना सवाब उससे मिलेगा जिसने उस काम को शुरू किया था, ईजाद किया था, और दोनों दोनों में से किसी के भी अजर में कमी नहीं होगी। अमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सैयतन, और जिसने भी इस्लाम में कोई बुरी तरीके को ईजाद किया, बुरे काम को ईजाद किया, कान आले ही शुरू हुआ, तो उसका बोझ उस पर है जिसने उसको ईजाद किया, वह उजरु मन आमिला बिहा, फिर जो जो भी अमल करेगा उसके बाद, हाँ, उसका भी बुराई, उसका भी गुनाह ईजाद करने वाले पर होगा, और करने वाले पर भी होगा, ईजाद करने वाले पर भी होगा, और उनमें से किसी के भी गुनाह में कमी नहीं की जाएगी। वन इबन मसऊद अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इबन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि लैसा मिन नफ्सिन तुक़्तलु ज़ुल्मन इल्ला काना अला इबन आदम अल अव्वल किफ्लु मिन्हा, कि कोई भी जान किसी जान को जुल्मन कत्ल नहीं करती, मगर ये कि उसका गुनाह, उसका वबाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे को मिलेगा, और ये उसका क्या होगा, कफील होगा, ये उसका जिम्मेदार ठहरेगा, क्योंकि सबसे पहले कत्ल काबिल ने किया था। अब दुनिया में जो भी किसी को कत्ल करेगा, नाहक जुल्मन कत्ल करेगा, कत्ल करने का तो इससे वबाल तो होगा ही, लेकिन इस और उतना वबाल उससे भी होगा जिसने शुरुआत इस काम को किया था, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को मिलेगा। लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल अव्वलन, क्योंकि वो सबसे पहले कत्ल को ईजाद किया था। तो
इस हदीस मुबारक में हमें दो चीज़, एक नई चीज़ के इजाद करने के बयान में, बुरी चीज़ के इजाद करने में। नई चीज़ के इजाद करोगे तो जब तक वो काम होता रहेगा आपको भी सवाब मिलेगा और आपके बाद वाले जो भी करेंगे उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी उसके बदले सवाब मिलेगा, समझ गए। और दूसरा चीज़ क्या था, सदको खैरात के ताल्लुक से हुजूर ने एक बार इरशाद फरमाया सदका करो, लोग सदका क्या क्या कर ले, ढेर लगा दिए, इतना सदका किए, दिरहम दिनार कपड़े गेहूँ खजूर, कपड़े का ढेर हो गया, खाने का ढेर हो गया। तो हमें भी चाहिए कि सदका करें और सदके करना चाहिए, इसके काफ़ी सारे फजाइल हैं। नहीं भी करें तो लोगों से तरकीब दिलाइए, आपके ज़रिए को दे देगा तो आपको भी उतना सवाब मिलेगा जितना देने वाले को सवाब मिला है। मंदल्ला क्या है, जो भी भलाई के कामों पर रहनुमाई करता है तो भलाई का काम करने वाले जितना सवाब मिलता है उसे भी इतना सवाब मिलता है। भलाई का राह दिखाने वाला भलाई करने वाले की तरह है, भलाई का राह दिखाने वाला भलाई करने वाले की तरह है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।